प्रलय की कहानी से हटा पर्दा, दुनिया के विनाश का सच आया सामने। दोस्तों, कई पृथ्वी के दुनिया के विनाश को लेकर कई कहानियां बताई जाती हैं। विनाश के पीछे कई तथ्य होने का हवाला दिया जाता है, लेकिन दुनिया के विनाश के पीछे की हकीकत से पर्दा हट चुका है। दरअसल नई रिसर्च में बड़ा खुलासा हुआ है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि विज्ञान के आधार पर ये आकलन किया भी जा सकता है कि प्रलय कब आएगी। एक्सपर्ट्स के मुताबिक धरती पर हर 2.7 करोड़ साल के बाद वैश्विक स्तर पर भीषण विनाशकारी घटनाएं होती हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि विनाशकारी घटनाएं जैसे उल्का पिंडों का गिरना या कोई विस्फोट साइकिल में बंधा होता है। नए स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के आधार पर अमेरिका के रिसर्चर्स ने पाया है कि पूरे जीवन को खत्म कर देने वाली धूमकेतुओं की बारिश हर 2.6 से 3 करोड़ साल पर होती है, जब वे गैलेक्सी से होकर गुजरते हैं। अगर ये धूमकेतु धरती से टकराते हैं तो पूरी दुनिया में अंधेरा और ठंड, जंगलों में आग, एसिड की बारिश होगी और ओजोन परत खत्म हो जाएगी। इसे जमीन के साथ साथ पानी में रहने वाले जीव भी खत्म हो जाएंगे। आखिरी बार ऐसी घटना 6.6 करोड़ साल पहले हुई थी, जब शायद एक एस्ट्रॉइड या धूमकेतु के गिरने से डायनासोर विलुप्त हो गए थे। ऐसे में माना जा रहा है कि प्रलय कम से कम 3 करोड़ साल पीछे है। विनाश से बचना होता है नामुमकिन। वैज्ञानिकों ने यह भी पाया है कि अब तक जमीन और पानी पर एक साथ हुए सारे विनाश तब हुए थे जब धरती के अंदर से लावा निकलकर बाहर आ गया था। इसकी वजह से भारी मात्रा में ग्रीन हाउस गैसें पैदा हो जाती हैं और महासागरों में ऑक्सीजन कम हो जाती है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि आकाशगंगा में जिस तरह से हमारा ग्रह चक्कर लगाता है, उससे खतरा भी तय होता है। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर माइकल रैम्पिनो का कहना है कि ऐसा लगता है कि बड़े ऑब्जेक्ट और धरती के अंदर होने वाली एक्टिविटी जिससे लावा निकल सकता है, ये 2.7 करोड़ साल के अंतर पर विनाशकारी घटनाओं के साथ हो सकता है। उन्होंने ये भी बताया कि पिछली 3 ऐसी विनाशकारी घटनाएं तभी हुई थी जब 25 करोड़ साल पहले सबसे बड़े इम्पैक्ट देखे गए थे। ये सभी वैश्विक स्तर पर आपदा और सामूहिक विनाश का कारण बनने की क्षमता रखते थे। वैश्विक स्तर पर सामूहिक विनाश की घटना ऐसी टक्करों और विशाल ज्वालामुखियों की वजह से हुए होंगे। ये सभी नतीजे हिस्टोरिकल बायोलॉजी पत्रिका में छपे हैं। माना जाता है कि एस्ट्रॉइड्स की टक्कर से ही डायनासोर की पूरी प्रजाति विलुप्त हो गई थी।